अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो दिन है वो है फ्राइडे, और उसका टाइम हो रहा है सुबह के तकरीबन 11:30 का। तो अभी जो है मैं मेरे साथ यहाँ पे शाह मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम शाह मोहम्मद, और यहाँ पे जो है जुल्फी भाई, कैसे हो? ठीक हो? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी जो है ना, बस आज मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ कर लिया, वो इसके लिए किया क्योंकि जो है ना, मतलब रूटीन एक अजीब सी हो गई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह, वो असल में मसला ये था कि सुबह को उठो, सुबह को 8:30 उठो, फिर 9 तक यूनिवर्सिटी पहुंचना है। अगर 9 नहीं पहुंचे तो गेट बंद हो जाएगा, फिर एंट्री नहीं मिलती। फिर ये जाकर 3 मुझे वहाँ से ऑफ मिलता है यूनिवर्सिटी से, फिर 3 के बाद जो 4 तक मैं वहीं पर वेट करता हूँ, क्योंकि 4 से हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है, फिर वो 6:30 तक, फिर 7 घर पहुँचो तो क्या बचा। मतलब इस वजह से जो ना व्लॉग ही नहीं बन पा रहे। अब मैंने सोचा कि मैं आपको इंटर्नशिप क्या दिखाऊँ कि मतलब के ना, तो बहरहाल आज जो है इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, चलेंगे इंटर्नशिप वगैरह हर चीज़ जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं से ही स्टार्ट। यहाँ पे हम किधर चल रहे हैं? सही अभी चल रहे हैं, आगे पता चलेगा थोड़ा। ये देखो यहाँ पे बिजली की चोरी चल रही है, देखे सामने कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। ट्विटर में सेटिंग चल रही है, तो मैं कहता हूँ कि ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जो ना आप जो हालात चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि बिल्स कितने आ रहे हैं। हमारे सोसाइटी का वो फ्रूट वाला है जो सबसे ज्यादा महंगा है, इसके पास अपनी फॉर्चुनर है। झूठ बोलो बार बार बोलो। अभी मैं आप देखना, ये खुद भी इंदाना है, इसके पास इंदाने भी अच्छे होते हैं। इसकी खुद के पास भी चट्टी लगी हुई है सर, इसका चेक करो। अबे साले, से मैं पैदा हुआ ना, तो तकरीबन ये बिल्डिंग यहीं पर इसका काम रुका हुआ है। देखें अभी जो है ना, तकरीबन कोई हफ्ता डेढ़ हुआ है, तो इसका प्रोजेक्ट अभी दोबारा से शुरू होने लगा है। ये देखें माशाल्लाह से आधा कलर हो चुका है। मौसम चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारा हो चुका है हर तरफ। ये देखें क्लाउडी वेदर। वैसे जो है ना, फ्राइडे के दिन मोस्टली गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पर टाइम हो रहा है जुमे की नमाज का, तो बस अभी जो है ना कुछ ही टाइम बचा है, तकरीबन 10 से 12 मिनट नमाज में, तो चलते हैं अभी खुतबा वगैरह सुनते हैं। A few moments later. तो यहाँ पर नमाज हो चुकी है डन, तो बस अभी चलते हैं अपने घर की तरफ। 6 later. फाइनली यहाँ पर टाइम हो रहा है शाम के 7:16 का, और यहाँ पे फहद है। फहद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। How are you brother? Fine brother. तो अभी जो है ना फहद अभी भी आया है, तकरीबन फहद को 5 हुए हैं। तो फहद भाई किधर प्रोग्राम में किधर चल रहे हैं? कैसे चल रहे हैं, कजन भी आया है। तो अभी जो है ना फहद का कजन भी आया हुआ है, मैं उससे भी आपको मिलवाता हूँ, वो भी पीछे पीछे आ रहा है। ये देखें ये सामने अभी, तो ये देखें, तो अभी बस चलते हैं KFC, बहरहाल चल के उधर चल के उसके साथ मिलते हैं। सो यहाँ पे फहद का कजन भी आया हुआ है, वो भी साथ साथ चल रहा है, तो अभी उनसे भी आपको मिलवाते KFC चलकर। सो फाइनली यहाँ पर हम KFC पहुँच चुके हैं, तो बस अभी जो है ना देखते हैं ड्राइव थ्रू करेंगे या फिर जो है ना अंदर बैठ के खाएंगे, तो फिलहाल पता नहीं है, तो वो चल के देखते हैं। क्या मूड है फहद? पता नहीं है अभी, वो कजन जैसे बोले। चलें बहरहाल चलते हैं आगे, चल के देखते हैं क्या सीन बनता है। सो पहले हम कर रहे थे ड्राइव थ्रू, लेकिन अब जो है ना ड्राइव थ्रू का सीन हो चुका है कैंसिल, तो अभी हम बस जो है ना डाइन इन करेंगे यहाँ पे, जो ना अभी ऑर्डर वगैरह में दे आया हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ फहद है, आफ्ताब है, और वहाँ पर राफे बैठा है। राफे अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ब्रदर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? पक्का? 3 later. फाइनली यहाँ पर जो ऑर्डर आ चुका है, तो बस अभी जल्दी से खाते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। सो यहाँ पर हम KFC से फ्री हो चुके हैं, तो बस अभी निकलते हैं। तो उस दिन मैंने आपको ये वाली रोड दिखाई थी, माशाल्लाह से कितनी प्यारी बनी है, आप लोग देखें। उस दिन मैंने आपको दिन को दिखाया था, अभी रात का व्यू देखें। कुछ वीडियोज वगैरह बनाई है, तो हर जो है ना प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना, इस वजह से जो है ना तो मैं सब पे ही काम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम टिकटॉक हर चीज़। तो अभी बस चलते हैं देखने दूसरी लोकेशन, जहाँ भी चलेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जो है ना रोड ब्लॉक हो चुका है, तकरीबन हम आधे घंटे से खड़े थे, तो अभी चलते हैं बस। ये देखें आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये देखें यहाँ पे लोग, ये अभी नया बना है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना रश ज़्यादा हो रही है, तो जैसे जैसे ये चीज़ पुरानी होती जाएगी, तो बस फिर जो है ना रश कम हो जाएगी। अभी यहाँ पे रेस होगी, ये देखें, अभी देखते हैं पावर चेक करते हैं कि किस गाड़ी का जो है ना ज़्यादा पावर है। यहाँ पे RPM चेक करें आप लोग, यहाँ पे अभी यहाँ पे तकरीबन गाड़ी 140 पे आ चुकी है। सो काफी देर घूमने के बाद अभी जो है ना हमारा प्रोग्राम बना है चाय वगैरह पीने का, तो चलते चाय वगैरह पीते हैं चाय ग्रिल पे। सो फाइनली यहाँ पर हम जो है ना चाय ग्रिल पे पहुंच चुके हैं। आप लोग यहाँ पे रश चेक करें, ये देखें हर तरफ गाड़ियां, रोड पूरा जैम लगा हुआ है। वो सामने लोग फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं। अभी इन लोगों ने जो है नया प्लॉट भी लिया है सामने वाला,
तो बस जो है अभी देखते हैं यहाँ पे कहीं पार्किंग वगैरह मिल जाए तो फिर चल के बैठते हैं। दोबारा जो है ना प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, अभी जो है ना चाय ग्रिल की चाय नहीं पीते क्योंकि यहाँ पे बहुत रश थी, मैंने आपको पहले ही बताया, तो बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये MZ रेस्टोरेंट खुला है सोसाइटी में न्यू, इनके पास जो है रूफ टॉप, बैंकेट हॉल, बर्थडे हट, MZ बेकर्स वगैरह जो भी है। बहरहाल मैंने अंदर नहीं गया तो आज मेरा फर्स्ट टाइम है, तो चल के इनकी चाय वगैरह टेस्ट करते हैं, अगर जो क्वालिटी अच्छी लगी तो फिर आएंगे इंशाल्लाह लंच या फिर डिनर पे। तो यहाँ पर हमें आफाक खान ने ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम आफाक खान। वालेकुम सलाम। यहाँ पे जहीद भाई भी आ चुके हैं, जहीद भाई अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर चाय आ चुकी है, तो बस ना मैं तो नहीं पी रहा चाय क्योंकि मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक पी थी, तो यहाँ पे बॉयज चाय पियेंगे तो इनके लिए मंगवाई और यहाँ पर चाय वगैरह पी लिए, तो अभी जो है ना बस निकलते हैं घर की तरफ। वैसे जो है ना रेस्टोरेंट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था, फैमिली के हिसाब से अंदर माहौल बिल्कुल बेस्ट है, तो आप लोग आ सकते हो अपनी फैमिली के साथ विजिट करें, बिल्कुल बेहतरीन है। हमारी सोसाइटी में ये जो है IBA के बिल्कुल अपोजिट में। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू। टाइम हो रहा है तकरीबन शाम के 4 बजे का, तो अभी मैं 3 बजे मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिली, ऑफ हुआ, तो बस अभी 1 घंटे का ही गैप था, 4 बजे मैं वापसी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जो है ना भाई हमारे हार्ड डेज शुरू हो चुके हैं, टफ टाइम आ चुका है दोबारा से। जैसे मैं पहले जाया करता था यूनिवर्सिटी के बाद जो है क्या कहते हैं इंटर्नशिप में, अभी जो है ना मैंने ज्वाइन की है, तो आज इंटर्नशिप का मेरा फर्स्ट डे है, तो अभी जो है ना घूमने फिरने के दिन हो चुके हैं ख़त्म, तो अभी जो है काम काज करेंगे, फील्ड के साथ जाके अटैच होना है क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ चुका है, क्योंकि खैर खैरियत से अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4th ईयर में आ चुका हूँ, कल अपना जो काम है वो सीखना लाजमी है, बस आज चल के देखते हैं पहला दिन कैसा गुजरता है। उम्मीद तो यही है कि इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, तो बस मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जो भी होगा। सो यहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की OPD में पहुंच चुका हूँ, देखी तो आप लोगों ने पहले सही है तो देखी हुई आप लोगों ने। चलिए यहाँ पर मैं लेक्चर हॉल में पहुंच चुका हूँ, तो अभी यहाँ पे जो है ना काउच वगैरह आ चुका है, तो बस अभी थोड़ी देर में जो है ना मैम वाले आएंगे, तो यहाँ पे इंटर्नशिप शुरू होगी। अभी यहाँ पे हमें मैडम ने प्रैक्टिकल करवा लिया, तो अभी हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे मुसद्दिक पे, तो जो भी बॉयज है वो बॉयज पे करेंगे, गर्ल्स अपनी तरफ जो है ना प्रैक्टिस कर रही है। ये जो सामने वाली डिवाइस लगी है बायोमेट्रिक की, वो टीचर्स के लिए है, तो ये वाली जो है ना अभी बच्चों के लिए लगी है, तो यहाँ पे जो भी बचाएगा वहाँ से एंट्री करके डायरेक्ट यहाँ पे बायोमेट्रिक करवा के फिर सीधा ऊपर जहाँ भी फिर उसकी जो है ना क्लास है ले जाए लेक्चर हॉल है तो उस तरफ जाएगा। तो ये काम अभी बड़ा ही खतरनाक हो चुका है, क्योंकि पहले तो हम ऐसे करते थे कभी अपना गलत टाइम भी लिख देते थे, पहले यहाँ पे होती थी जैसे हम रिसेप्शन पे आते थे, तो आपको पता है मैं यहाँ पे रजिस्टर पे पहले साइन वगैरह करता था उसके बाद ही ऊपर जाता था, तो गलत ही टाइम हमेशा लिखता था मैं, कभी आता 9:30 बजे था तो लिख 8:30 बजे देता था ऐसे। तो अभी जो ना मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी मशीन ईजाद की है साइंसदानों ने, खुदा उनको जो ना कब्र में गड़क करे। बाकी इंशाल्लाह मेरी और यासिर की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि इसका फिंगरप्रिंट वाला जो शीशा है यही तोड़ दें, क्या क्या कहना है आपका? नहीं फिलहाल नहीं भाई, अभी नया है, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है, ठीक है कुछ दिन चलने दो, ये भी जो ना चलो यूनिवर्सिटी वालों ने खर्च किया है तो चलो उनको हम वो तंग नहीं करते, तो कुछ दिन ये चले उसके बाद इंशाल्लाह इसका शीशा विशा ही नहीं होगा, तो थम कौन मारेगा, जो भी थम लगाएगा वो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ऐसा करंट लगेगा उसे। सबसे अच्छी बात बताऊँ जरा, तो हमारा चार्जिंग करने की भी यहाँ सहूलत मौजूद है। हाँ बड़ी चीज़ें हैं भाई, इस पे क्या आएगा, हमारा फोटो आएगा कि स्क्रीन पे? यहाँ पे फोटो आएगा। तो वेलकम बैक गाइज, यहाँ पर टाइम हो रहा है तकरीबन 9:30 बजे का, और मैं यूनिवर्सिटी से 7 बजे जैसे फ्री हुआ मैंने आपको बताया, तो इंटर्नशिप के बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, और फिर मैं जो है ना क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं पा रहा, एक तो फ़ोन में चार्ज भी कम थी और दूसरी बात तो थका भी बहुत हुआ था, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा दिन ये करो वो करो इधर जाओ उधर जाओ, मतलब बंदा पूरा हो जाता है, तो मैं जैसे ही घर आया आते ही साथ में सो गया, तो अभी मैं नींद से उठा हूँ, तकरीबन मैंने 1.5 घंटा नींद की है, तो नींद भाई बहुत ज़रूरी है, फिर वो 10 मिनट की हो या 20 मिनट की हो बंदा फ्रेश फील करता है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो उस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो भाई भूलना ही मत, क्योंकि जो है ना आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं ऐसे देख के भाग जाते हो, तो काइंडली सब्सक्राइब किया करें। तो बस मिलते हैं आप लोगों के साथ नए व्लॉग में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।